मंगल पांडे हाय 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 हाय। राजीव प्रताप रूड़ी छपरा के जो पूर्व मंत्री थे उनके आवास पर जाकर के 30 एम्बुलेंस को जब देखा कि खड़ी थी, उस एम्बुलेंस को पूरे दुनिया को दिखाने का काम किया तो पूरे केंद्र से लेकर के बिहार के सत्ताधारी नेताओं ने पप्पू यादव को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। सुनो, बहरी गूंगी सरकार पप्पू यादव की है, बिहार को दरकार। ये कहना है जाप कार्यकर्ताओं का जो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। एक 32 साल पुराने मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद उनके कार्यकर्ताओं में, उनके चाहने वालों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि उनके कार्यकर्ता अब जल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज औरंगाबाद में युवा परिषद की ओर से जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया और इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से इस बात की मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द पप्पू यादव की रिहाई होनी चाहिए। आपको हम बता दें, इसी क्रम में आज औरंगाबाद युवा परिषद के जिला अध्यक्ष विजय कुमार उर्फ गोलू यादव के नेतृत्व में राज्यव्यापी जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया। गोलू यादव ने बताया कि पप्पू यादव की असंवैधानिक रूप से गिरफ्तारी और शासन के हनन पर जेल के अंदर रखना किसी भी रूप में ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। इस जल सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से बिहार की डबल इंजन की सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती तब तक चरमबंद आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल में जो लोग एम्बुलेंस छुपाकर रखे हुए थे वे लोग आज खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उसे 32 साल पुराने मामले में कैद कर रखा गया है। प्रदेश सचिव सह पैक्ष अध्यक्ष विजेंद्र कुमार यादव ने कहा कि पप्पू यादव को एक पुराने मुकदमे में जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद उनकी रिहाई को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा एड़ी चोटी एक कर दी गई है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि नीतीश सरकार जो सुशासन की सरकार की बात करते हैं, यह सरकार माफिया और भ्रष्टाचारियों की सरकार बनकर रह गई है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार इस नीति के खिलाफ जनता के बीच आक्रोश देखा जा रहा है। कुछ कहना है प्रदेश महासचिव विजेंद्र यादव का, पहले सुनिए। आज जन अधिकार पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में जल सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। औरंगाबाद टीम भी पूरी मजबूती के साथ जल सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। जिस तरह से बिहार में 12 करोड़ जनता को उम्मीद को लेकर के माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी पूरे बिहार में लगातार अस्पताल से लेकर के PMCH अन्य अस्पताल में घूम घूम करके बिहार सरकार का पोल खोल रहे थे, इसी पोल अभियान में राजीव प्रताप रूड़ी छपरा के जो पूर्व मंत्री थे उनके आवास पर जाकर के 30 एम्बुलेंस को जब देखा कि खड़ी थी, उस एम्बुलेंस को पूरे दुनिया को दिखाने का काम किया तो पूरे केंद्र से लेकर के बिहार के सत्ताधारी नेताओं ने पप्पू यादव को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। जिस तरह से पप्पू यादव ने लगातार मांग कर रहे थे कि कोरोना महामारी में अस्पताल में कहीं भी वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है, जिस तरह से बिहार की जो कुव्यवस्था था अस्पताल में उस व्यवस्था को लेकर के हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी लगातार संघर्ष कर रहे थे, जहां अस्पताल में दवाई नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, अपने पैसे से हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी कुमार जी को यह चीज को देखा नहीं गया और लोकप्रिय लगातार बढ़ रहा था पप्पू यादव जी को लोकप्रियता को घटाने के लिए हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। आज उसी को लेकर के हम लोग आज जल सत्याग्रह का आयोजन किए हैं। यदि इससे भी पप्पू यादव का रिहाई नहीं होता है, जो जब माननीय सांसद पप्पू यादव जी का अगला आदेश होगा उसको पूरी मजबूती के साथ सड़क से लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में जल सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। जल सत्याग्रह का आयोजन किया है कि जिस तरह से बिहार में 12 करोड़ जनता को उम्मीद को लेकर के पप्पू यादव जी लगातार बिहार में संघर्ष कर रहे थे अस्पताल में, जिस तरह से अस्पताल की जो कुव्यवस्था था उसको उजागर कर रहे थे, जहां अस्पताल में एक तरफ दवाई नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, तो कोरोना महामारी में जो आवश्यकता दवाई की थी कहीं भी दवाई नहीं थी, किसी भी सदर अस्पताल में एम्बुलेंस की। इस जल सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से लगातार पप्पू यादव की रिहाई को लेकर मांग उठ रहे हैं।
जनता के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि अब जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो चुका है और पप्पू यादव की रिहाई को लेकर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।